नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह सिसोदिया। गिर नेशनल पार्क में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम सफारी करने जा रहे हैं गिर नेशनल पार्क के रूट नंबर 10 के अंदर। यहाँ पर 1 to 13 रूट्स हैं, यानी कि 1 से 13 तक रूट्स हैं। और आज हमारा जो रूट है वो रूट नंबर 10 है। सारे रूट्स अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। हमने इससे पहले भी काफ़ी सारी सफारीज करी हुई हैं जिसमें अलग अलग रूट्स के अंदर हमने जो फॉरेस्ट है उसे विज़िट किया है, लेकिन आज जो रूट है वो डिफरेंट है। और अभी सुबह का टाइम है, ये मॉर्निंग सफारी का टाइम है। अभी लगभग 6 बजने वाले हैं और अभी हमारी जो सफारी है वो शुरू होगी। और ये सफारी का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 6 से 9 का है, यानी कि 3 घंटे का ये सफारी टाइमिंग है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और चलते हैं गिर नेशनल पार्क की ओर। देखिए, सुबह जिप्सीज़ की लाइन है जो कि यहाँ पर लगी हुई है। लाइन से जिप्सीज़ लगी रहती हैं, बिल्कुल पीछे तक आप देखेंगे तो इसी तरह की जिप्सी की लाइन्स यहाँ पर लगी हुई होंगी। ये देखिए, पूरी लाइन्स पीछे तक, ये जो डोर है जिप्सीज़ आती जा रही है वहाँ से पीछे की साइड से। और यहाँ सामने की ओर देखेंगे तो जिप्सीज ही जिप्सीज़ हैं जो कि यहाँ पर लगी हुई हैं। देखिए, गिर नेशनल पार्क में सफारी करने के लिए सबसे पहले हमें ऑनलाइन परमिट बुक करना पड़ता है। इस बारे में हमने सारी जानकारी पहले भी दी हुई है, एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है जिसमें कैसे गिर नेशनल पार्क का परमिट बुक किया जाता है, कैसे ऑनलाइन परमिट, ऑनलाइन टिकट बुक किया जाता है, सारी जानकारी प्रोवाइड की है। लेकिन अगर आप पहली बार इस डॉक्यूमेंट्री को देख रहे हैं, इस वीडियो सेक्शन को देख रहे हैं, तो आपके लिए छोटी सी मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि गिर नेशनल पार्क का टोटल कॉस्ट पड़ता है एक जिप्सी का 3200, यानी कि 3200 रुपये, जिसमें कि आपको ऑनलाइन टिकट यानी कि जो ऑनलाइन परमिट आप निकालते हैं 800 रुपये का इन्वॉल्व है, गाइड फीस जो 400 रुपये होती है वो इन्वॉल्व है, और 2000 रुपये जो कि जिप्सी फीस होती है वो भी इन्वॉल्व है। तो सारी चीज़ें मिलाकर के 3200 रुपये एक जिप्सी का कॉस्ट होता है, चाहे उसमें आप एक आदमी जाएँ चाहे आप 6 आदमी जाएँ, कॉस्ट यही रहेगा। तो अब यहाँ पर हमारे गाइड सर अलॉट हो चुके हैं। सर, आपका नाम? रणजीत गढ़वी। रणजीत सर हैं जो कि हमारे गाइड हैं। और अब हमारी जिप्सी चल चुकी है सफारी के लिए। देखिए, अब हम पहुंच चुके हैं गिर नेशनल पार्क। देखिए, यहाँ पर लिखा गिर नेशनल पार्क इन सेंचुरी के मेन गेट पे। ये गेट नंबर 1 है। यहाँ पे 2 गेट हैं और 13 रूट्स हैं। तो ये जो 10 नंबर का रूट है वो यहाँ से जाता है। यहाँ पे जो रूट के नंबर्स हैं वो हैं 3, 5, 7, 8, 10 और 13, मतलब ये रूट्स इस गेट नंबर से आते हैं। तो हम चल रहे हैं रूट नंबर 10 के लिए। यहाँ पर इस तरह से टिकट वेरीफिकेशन के बाद हमें एंट्री दी जाती है। और देखें, यहाँ पर गेट में ही जो लायंस हैं, जो डियर्स हैं, वो बने हुए हैं। तो दोस्तों, आज हमारे गाइड हैं रंजीत सर, जो कि हमें गिर नेशनल पार्क में आज गाइड करेंगे रूट नंबर 10 में। जी सर, आप थोड़ा सा बताइए गिर नेशनल पार्क के बारे में। जैसे गिर नेशनल पार्क की बात करें तो पूरे इंडिया के अंदर काफ़ी सारे अलग अलग एनिमल्स के लिए अलग अलग सफारी चलती रहती हैं। जी, तो जैसे हम गिर नेशनल पार्क की बात करें तो गिर नेशनल पार्क 1965 से चल रहा है। अलग अलग जगह पे अलग अलग ट्रैक वाइज यहाँ सफारी होती है, और हर एक ट्रैक में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एनिमल्स का अच्छा साइटिंग होता रहता है। जी। और जैसे पूरे इंडिया के अंदर काफ़ी सारे अलग अलग सेंचुरी, अलग अलग नेशनल पार्क, और हर एक प्लेसेस का जो नाम दिया जाता है उसके पीछे कुछ ना कुछ हिस्ट्री रहती है। जी। तो जैसे आज हम जहाँ घूम रहे हैं, ये पूरा फॉरेस्ट और ये जगह का फुली नेम है शासन गिर। जी। तो इसे शासन गिर क्यों कहते हैं मैं वो बताता हूँ आपके। जी। जैसे शासन वो गांव का नाम है जहाँ से हमने ये गाड़ी हायर किया, जहाँ गवर्नमेंट ने सर्किट हाउस इतना अच्छा डेवलप किया है। जी, जी। तो वो गाँव का नाम शासन इसलिए क्योंकि 1947 पहले जब पूरे इंडिया के अंदर राजाशाही चल रही थी, तो उसी टाइम पे यहाँ पे भी एक राजा का राज शासन हुआ करता था। जैसे ये पूरा गिर फॉरेस्ट एंड 52 विलेज एक स्टेट में पड़ते थे, वो था जूनागढ़ स्टेट। तो जूनागढ़ के जो लास्ट नवाब थे उनका ये ओल्ड टोटल गिर एंड 52 विलेज के ऊपर राज शासन था। तो उन्हीं के शासन के हिसाब से ये गांव का नाम शासन दिया है। और ये पूरे फॉरेस्ट को सब गिर से पहचानते हैं। तो ये पूरे फॉरेस्ट को गिर सब इसलिए कहते हैं क्योंकि आज गुजरात की सबसे बड़ी माउंटेन आप देखोगे तो ये गिरनार माउंटेन है। और ऐसे ही ये बड़ी बड़ी माउंटेनों से बना हुआ फॉरेस्ट, इसलिए ये फॉरेस्ट को गिर कहते हैं। तो ऐसे ही दो वर्ड्स मिला के एक वर्ड्स बना है शासन गिर। जैसे आज पूरे वर्ल्ड में आप नेचुरल हैबिटेट से लायन देखना चाहते हो तो पूरे वर्ल्ड में ओनली 2 प्लेसेस ऐसी है जहाँ नेचुरल हैबिटेट से लायन पाया जाता है। एक पूरे एशिया खंड की हम बात करें तो पूरे एशिया में ओनली एक ही रिजर्व है, ये है हमारा गिर फॉरेस्ट। और ऐसे ही सेकंड प्लेसेस हैं अफ्रीका में जो अफ्रीकन एनिमल्स के लिए सफारी होती है। तो ये है गिर। और हाँ, तो ऐसे ही आप आगे जाते जाते हमें भी और चांसेस है लायन और अदर 39 टाइप्स ऑफ मैमल्स हैं गिर में तो देखने के। लायन के फ्रेश पगमार्क्स जा रहे हैं आगे। जी। तो पहले हम लायन के ऊपर फोकस बनाए रखे तो वो अच्छा रहेगा। जी जी, बिल्कुल। आप देख सकते हैं चलते जा रहे हैं इसके कंटिन्यू, वो कोई एनिमल्स आगे चलता जा रहा है। ये जस्ट आप देख रहे हैं वो वाइल्ड बोर है, जैसे जंगली शुअर जिसे कहते हैं।
हाँ जी। और ये मिश्राहारी हैं, वेज भी खाना पसंद करता है, नॉन वेज भी खाना पसंद करता है जी जी। और अभी आप दोनों देख रहे हैं शायद दोनों मेल, हाँ ये फर्स्ट वाला जो आगे जा रहा है वो मेल है और ये सेकंड जो पीछे से आ रही है वो फीमेल है। मेल में दांत होते हैं ना? हाँ, जस्ट इनका बॉडी स्ट्रक्चर से आइडेंटिफाई होता है कि ये मेल है या फीमेल। अच्छा। क्योंकि आप देखिए ये जो पीछे जा रही है इनकी प्रॉपरली निपल दिख रही है। हाँ। तो हम ऐसे ही इनका बॉडी स्ट्रक्चर देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और जब भी मेल रहेगा तो इनका थोड़ा सा कलर डार्क एंड ब्राउन में रहेगा, ठीक है। और इनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग रहता है, दांत भी दिखते हैं। उसी के पगमा लायंस चला है यहाँ पे, बिल्कुल दिख रहा है। देखो आप अभी पगमा को फॉलो करके चल रहे हैं हम लोग। बहुत ही सुंदर सा सीन है गिर नेशनल पार्क में। ये सर नदी कौन सी है? ये हिरण नदी। हिरण नदी है। अच्छा, जैसे मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि हर एक जगह का जो नाम दिया जाता है जी, उसके पीछे कुछ ना कुछ हिस्ट्री रहती है जी जी जी। तो जैसे मैं ये नदी का नाम आपको हिरण नदी कह रहा हूँ जी, तो ये नदी का नाम हिरण इसलिए क्योंकि जैसे मान लो ये भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की हिस्ट्री आप सब जानते हो जी जी जी। तो भक्त प्रहलाद के पिता थे हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप का नगर हुआ करता था कश्यप नगर जी जी। तो कश्यप नगर यानी शासन गांव से 15 किलोमीटर आगे तालाला तहसील है जी। तो वो तालाला पुराना कश्यप नगर हुआ करता था और हिरण्यकश्यप के नाम से ये नदी का नाम हिरण नदी दिया है जी। ऐसी एक लोकवायिका है। Okay. और दूसरा है कि भाई एक टाइम ऐसा भी था कि 2-3 साल तक कांस्टेंट गिर में कहीं बारिश नहीं हुई थी। हाँ। तो वो बारिश ना होने की वजह से ये नदी ऐसी है कि 24 आवर्स और 12 मंथ ऐसे कांस्टेंट चालू रहती है। अच्छा, अच्छा। तो ये पानी जब इस दिन में चालू था उसी हाँ। टाइम में ये नदी के आसपास स्पॉटेड डियर यानी हिरण की आबादी ज्यादा थी, ज्यादा। तो ये हिरण के नाम से भी ये नदी का नाम हिरण दिया है। अच्छा, अच्छा। तो ऐसी दो लोकवायिका है जी, और इसलिए ये नदी का नाम भी हिरण दिया है। दिया और ये हिरण नदी की शुरुआत गिर से ही होती है। और बड़ा सुंदर है। एक मिनट जी, थोड़ा रुके हुए क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल है। एक मिनट, आगे लायन का भी चांस है। यहाँ पर लायन था, इन जिप्सीज ने देखा है इसको, वो अंदर की तरफ चला गया। लायन था, नर था, नर था। अच्छा, अभी यहाँ पानी पी कर इधर गया। अच्छा, रेड हेडेड ब्लैक आइबिस दो हैं यहाँ पे। छोटा सा झरना पर बहुत सुंदर से ब्यूटी है। सांबर डियर और देखिए ये कॉमन किंगफिशर भी है। किंगफिशर सांबर का है वो रहा शेड के नीचे, वो सांबर डियर यहाँ पे पूरा कलर कैमोफ्लेज है। हाँ, पूरा कम कलर कैमोफ्लेज है। एशिया का सबसे बड़ा हिरण, हाँ जी, सांबर डियर। 10 नंबर के लिए हम यहाँ से मुड़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ से साइन बोर्ड्स लगाए हुए हैं। अभी यहाँ से सनराइज हो रहा है बादलों के पीछे, सन थोड़ा सा छिपा हुआ है, कुछ ही देर में बाहर निकलेगा। स्पॉटेड आउलेट, स्पॉटेड आउलेट है। अच्छा, ये रात को उड़ते हैं ना? है। अच्छा, दिन में प्रॉब्लम होती है। आउले अभी देखिए वो पेड़ के अंदर उसका शायद हॉल है। हॉल है वो, तो वो हॉल के अंदर रहते होंगे शायद। अभी बाहर निकले हुए। हाँ, इनका ये स्मेलिंग पावर पावरफुल रहता है कि स्मेल लेके वो इनकी अपनी खुद की जो जगह है उसको भी वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। देखिए यहाँ पर ये मालधारी कम्युनिटी के घर हैं। हमने इसके बारे में आपको पहले भी बताया है पिछले सफारीज में, लेकिन ये ट्राइबल पीपल हैं जो कि गिर नेशनल पार्क के अंदर रहते हैं और इस तरह से भैंसे भी यहाँ पर चराते हैं। ये गिर के अंदर टू टाइप्स की कम्युनिटी पाई जाती है जी। इनमें एक है इंडियन ट्राइबल्स और दूसरे हैं अफ्रीकन ट्राइबल्स। अफ्रीकन ट्राइबल्स। तो ये कम्युनिटी और ये विलेज आप देख रहे हैं, ये विलेज है इंडियन ट्राइबल्स, इंडियन ट्राइबल्स। और ये ट्राइबल विलेज का नाम है दुधाला करके, आप देख सकते हैं गुजराती लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो ये दुधाला ट्राइबल विलेज और इन लोगों का बिजनेस है डेयरी प्रोडक्ट का, डेयरी प्रोडक्ट का। जैसे इन लोगों के पास काफी सारी काउ बफेलोज ये सब रहता है और इनका जैसे मिल्क बटर, मिल्क बटर ये सारी चीजें बेच के जो इनकम होता है इनमें इन लोगों का लाइफ टाइम चलता है। और काफी सारी बफेलो देख सकते हैं आप आगे कि ये इतनी सारी बफेलो ये एक ही मेंबर की है, एक ही मेंबर की। हाँ। और दूसरी चीज है कि हमारी गवर्नमेंट
काफी सालों से ये जंगल के अंदर ये ट्राइबल्स लोग रह रहे हैं, तो इनको सपोर्ट कैसे करती हैं? आप इनकी गांव बफेलो की कान में देख सकते हैं, येलो कलर का टैग पहनाया है और वो टैग के अंदर दो नंबर रहते हैं जैसे आप देख सकते हैं। तो वो नंबर के अंदर हर एक बफेलो का एक बॉडी नंबर दिया है और दूसरा है हर एक बफेलो को एवरी ईयर एक वैक्सीनेशन होता है। जैसे गांव बफेलो का लायन या लेपर्ड कोई शिकार कर लेता है तो हमारी गवर्नमेंट इनको काफी रिफंड भी देती है। और ये बरगद का पेड़ भी आप देखिए, हमारे ये 10 नंबर के रूट में सबसे बड़ा बरगद का पेड़ ये था। अच्छा। लेकिन ये लास्ट जो साइक्लोन आया, हाँ। ये साइक्लोन ने ये पेड़ को पूरा तोड़ फोड़ दिया है। अच्छा, यहाँ तक साइक्लोन आ जाता है? हाँ, साइक्लोन। और सर ये मतलब जो रूट नंबर 10 है इसका एरिया लगभग कितने किलोमीटर का है? ये हम 37 किलोमीटर जितना कवर करते हैं। अच्छा, 37 किलोमीटर। ओके, देखिए यहाँ पर साइटिंग हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सामने जिप्सीज लगी हुई हैं लाइन से। यहाँ पर अच्छी खासी साइटिंग चल रही है। वो रहा लाइन है। वहाँ दिख रही है। नहीं थी, कैसे वही जा है बाकी? वो रहा, वो नीचे जा रहा है। जाओ नीचे, गया नीचे, गया। लेकिन यहाँ पर लाइनस की साइटिंग बहुत अच्छी हो रही है, थोड़ा सा सीन देख पाए। लेकिन यहाँ पर और भी हो सकती है, यहाँ पे वेट कर रहे हैं क्योंकि लाइनस काफ़ी अच्छी सी दिखाई दी यहाँ पर। यहाँ पर एक पूरा का पूरा प्राइड है, मतलब एक झुंड है शेर शेरनियों का, बच्चे भी हैं उसमें। ये देखिए सारी की सारी जिप्सीज अंदर की तरफ प्रवेश कर रही है, इधर की तरफ लाइन का मूवमेंट हो सकता है। तो चलिए अंदर चलते हैं, वहाँ से देखेंगे लाइन को। अच्छा, बैठा भी है यहाँ? बैठने के निशान। अच्छा, चलने के पैर के निशान। और अंदर की तरफ हम चलेंगे, अंदर चलते हैं। हर एक तीन स्लॉट से यहाँ गिर में सफारी होती है। तीनों तीन स्लॉट में लायन ढूंढने के तरीके, मीन्स के आज जैसे शुरुआत में हमने लायन के पग मार्क्स देखे, तो ये पग मार्क्स को हम कंटिन्यू फॉलो करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो कैट फैमिली का एनिमल्स जब भी ऑन रोड रहेगा तो हमें दिखने के चांसेस हैं। दूसरा है, ये जंगल के काफी सारे हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं, जब भी लायन या अदर कोई कैट फैमिली के एनिमल्स को देख लेंगे वो, तो एक तरीके की वो आवाज करते हैं, तो वो आवाज से भी हमें मिलने के चांसेस हैं। दूसरा है, कभी कभार लायन या लायनेस रोर भी करते हैं, तो वो रोरिंग सुनाई दी तो ऐसे भी लाइन मिलने का चांस ज्यादा है। यहाँ पर सारी की सारी जिप्सीज इकट्ठा हो चुकी है, मंदिर की तरफ पहुँच गए हैं, दिखने वाले हैं। ये बहुत ही सुंदर सी जगह है और यहाँ पर बहुत गजब की साइटिंग होने वाली है लायन की। देखते हैं क्या दिखते हैं यहाँ पर। वो देख रहे हैं वो रे लाइनस पानी पीते हुए, ये रे पानी पी रही है, देखिए लाइनस पानी पी रही है। कितना अच्छा सीन आ रहा है यहाँ पर, पानी पीती हुई लाइनस। लाइन एक नहीं, और भी एक और वहाँ कब नहीं, एक और लाइनस है, दो लाइनस और बेबी, वो है बेबी भी, कहाँ बेबी, हाँ बेबी भी है, तीन चार बच्चे, हाँ बच्चे दिख रहे हैं, दो बच्चे दिख रहे हैं, दो और एक और लाइनस है वहाँ पे, छोटे बच्चे हो रहे हैं वहाँ, दो बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पे, बड़ा अच्छा। और तीसरा भी बच्चा है, बहुत देर तक पानी पी रही हो, बच्चे खेल रहे हैं। वाह, बहुत सुंदर सा सीन। बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा सा सीन है। ये देखिए बहुत सारे बच्चे आ गए वहाँ पे, बहुत ही सारे बच्चे, ये देखिए सारे बच्चे खेल रहे हैं, ये देखिए कई सारे बच्चे, 1, 2, 3, 4 पांच बच्चे एक लाइन है, जो भी पानी पी जा रहे हैं, देखिए पानी पी रहे हैं, सिर्फ पानी पी, बच्चे कुछ पकड़ के भी ले जा रहे हैं कुछ खेलने। ओ, एक और लाइनस आ गई यहाँ पर, वाह एक और लाइनस आ गई, उसके बच्चे भी हैं, वो बच्चों के साथ कुछ कर रहे हैं, ये खेल रहे हैं करे कुछ, वाह बहुत गजब का सीन है। लायन लाइनस उनके कब्स, वाह
बहुत ही खूबसूरत सा सीन, लायन के बच्चे, दो लाइनस हैं यहाँ पे बैठ गए हुए, तो ये बच्चे खेल रहे हैं उनके साथ, मम्मी उनके साथ खेल रहे हैं। वाह, और यहाँ पर देखिए हम काफ़ी दूर से देख रहे हैं इतनी सारी जिप्सी यहाँ लग चुके हैं। ये देखिए साइटिंग कर देने के लिए बहुत सारे जिप्सी यहाँ पर आए, और यहाँ पर हम इसको देख रहे हैं, देखिए ये है लाइनस, ये बच्चों के साथ खेल रहे हैं, ये बच्चे ऊँचा ऊँचा के गिरते हैं मम्मी। वाह, यस, अच्छा सीन है, इतना ब्यूटीफुल सीन। ये बच्चे चढ़ गए मदर के ऊपर, इट्स अमेजिंग सीन। देखिए कितने सारे फोटोग्राफर्स यहाँ पे हैं, फोटोज़ खींच रहे हैं और क्लिक्स के बाद फोटोग्राफर्स लेंसेस के साथ, एक लाइनस कहीं गई, बच्चा भी कहीं जा रहा है, एक यहीं बैठ गया, उसके साथ एक बच्चा भी, ये भी उठ गई, ओह ये उठ के चली गई, बच्चे भी जा रहे हैं साथ साथ, बच्चे जा रहे हैं, वो इधर ही है यहीं पे। वाह, वो रे चलो रफी स्लैप मारो, आवा दियो, ये देखिए ये रे, ये लायन लायनेस, ना ना आई थी हम मामा बस। वाह, बहुत अच्छा सा सीन है, आवा दियो आवा दियो आवा दियो, कोई नंबर है कहीं, आवा दियो बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर देख रहे हैं। हेलो अनंत भाई, ये देखिए हम जा रहे हैं हम यहाँ से, देखिए एक मिनट, क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल है बीच में, पानी के बीच में देखो क्रोकोडाइल है। हाँ, ये रहा क्रोकोडाइल, ये रहा नीचे काफी मछली है, ये देखिए क्रोकोडाइल दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा पानी में डूबा हुआ है। वाह, क्रोकोडाइल अच्छा सा दिख रहा है आप, मतलब इन पानियों में कहीं भी क्रोकोडाइल हो सकता है, आंखें भी दिख रही है उसकी, दिख रही है ना, आईज भी ओपन है, देखो आईज भी ओपन है, कितना सुंदर से है। देखिए यहाँ से इस पानी के सोर्स के बाद देखिए बहुत ही सुंदर सी नेचुरल ब्यूटी है, यहाँ पर पानी ज़्यादा नहीं है, पानी इतने से इलाके में है, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा, और एक कछुआ बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए स्विम करता हुआ टर्टल, यहाँ पर ये टर्टल तैर रहा है, ये देखिए पूरा दिखाई भी दे रहा है वो, उसके पंजे वगैरह सब। वाह, ये तैर पूरा क्लियर दिख रहा है टर्टल, बहुत ही अच्छा सा सीन है। आगे आगे है, दो आगे, अरे तो आगे चलो ना फिर, चलो चलाओ। उसका रोरिंग का रेंज क्या है, मतलब कितने किलोमीटर तक सुनाई दे जाता है? नॉर्मली वैसे गिर के अंदर जैसे मान लो पूरा जंगल साइलेंट रहेगा, हाँ हाँ, तो 1-1.5 किलोमीटर तक सुनाई देता है, वो बोलते हैं ना वो 8-10 किलोमीटर तक सुनाई देता है, वो क्या है? हाँ। वो शांत बिल्कुल। हाँ। अच्छा अच्छा, वैसे इतना लंबा रेंज देखो 8-10 किलोमीटर यानी बहुत लंबा हो जाता है। हाँ हाँ। तो वैसे गिर के अंदर जो मैंने यहाँ एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैंने सुना है, हाँ, वो मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, मैंने एक जगह कहीं लाइन बैठा और वहाँ से पूरा जंगल साइलेंट और वो वहाँ से रोर कर रहा है, तो नॉर्मली 1-1.5 किलोमीटर तक की इनकी रेंज रहती है, आसपास का पूरा एरिया है कि पूरा आसपास का 1-1.5 किलोमीटर का एरिया उसमें पूरा सुनाई देता है इजीली आराम से। यहाँ पर एक और लायन के स्पॉट समझ आइए जहाँ पर लायन हो सकता है, अभी तो हमने देखा एक बहुत ही अच्छा सा झुंड जिसमें 5 बच्चे थे, 2 लायनस, और अब आगे जा रहे हैं जहाँ पर 2 लायन हो सकते हैं, उस जगह हमको बहुत सारी जिप्सीज ने संकेत दिया है, तो अब यहाँ पर देखने वाले हैं। वैसे बीच बीच में तो हिरन वगैरह तो दिखते ही जा रहे हैं, काफ़ी सारे हिरन तो नॉर्मल है, और अब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इन सभी जिप्सीज को, 2-2 दिखाए लाइन दिखाई दे रहे हैं, जिप्सी सब बोलती हुई जा रही है, अब हम बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर सा एरिया है गिर नेशनल पार्क का, जो कि पूरा का पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ है, इतनी फ्रेश एयर है यहाँ पर, इतनी अच्छी हवा है कि बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, पूरा का पूरा एरिया आप देखेंगे कितनी ग्रीनरी है यहाँ पर। मोर चलता जा रहा है रोड पे, वाह क्या दौड़ लगा रहा है, गजब की रोड रोड पे दौड़ लगा रहा है, गजब के सीन है ये।
उसको और कहीं नहीं जाना, रोड पे जाना है। वाह, काफी देर तक दौड़ रहा हूँ भी रोड पे, क्या स्पीड से दौड़ रहा, गजब। अब गया, देखिए वहाँ जिप्सीज को लायन दिखाई दे रहा है, हम भी देखने की कोशिश करेंगे। धीरे 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 देखो वो सो रहा है रास्ते के बगल में। कहाँ पे? ये रास्ते के बगल। ओह, ये रहा लायन, ये सो रहा है यहाँ पे। हाँ, वाह, एक लायन ये सो रहा है यहाँ पर और एक यहाँ पे जस्ट बुशेस के पीछे है। दो बड़े बड़े बब्बर शेर दिख रहे हैं यहाँ पे, रोड के बीच में सो गए हैं। मयूर आबाजू, वाह, ये बैठा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत सा सीन है। मेरे को आगे आ जान दो, यहाँ पर ये देखिए ये लायन बैठा हुआ है। अरे आप बहुत लंबे डायरेक्शन से देख रहे हैं, ये पहली बुशेस दिख रही है ना शुरुआत की। अरे वाह, ये लायन बैठा हुआ है, खुद को चाट रहा है। वाह, कितना खूबसूरत सीन है, लायन चाट रहा है और यहाँ पर एक लेटा हुआ है। अब अपन यहीं रुकेंगे जब तक है। वाह, ये लाइन दिख रहा है यहाँ पर पूरा का पूरा बम्पर से, और यहाँ पर देखिए इस तरह से गाड़ियाँ आती जा रही हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही गजब की साइटिंग हो रही है लाइन की। रायन जस्ट रोड के पास ही बैठे, एक इस रोड पे एक रोड, यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा। देखिए एक लाइन वहाँ लेटा हुआ है और एक वहाँ पर वो बैठा हुआ है, खुद को चाट रहा है वो वहाँ पर जस्ट इस झाड़ी के पीछे। आप देखेंगे यहाँ, देखिए इस झाड़ी के पीछे यहाँ लाइन ही चाट रहा है खुद को, देखिए अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। ये देखिए पापा और छोटा भाई भी यहाँ पे देख रहे हैं, ये लाइन इनके साथ ही है, बिल्कुल पास है। ये देखिए बहुत खुशी हो रही है क्योंकि इतना पास लाइन है, और एक ये तो ये लेटा हुआ है, एक और है यहाँ पर, ये देखिए ये बैठा हुआ है यहाँ पर। ये रहा, ये देखिए लाइन थोड़ा सा उठा है, खुद को चाट रहा है। देखिए यहाँ पर ये लायन है जो बैठा हुआ है, और काफ़ी अच्छी साइटिंग हो रही है। देखिए यहाँ काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं इसको, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जिप्सीज के अंदर, कई फोटोग्राफर्स हैं, हम लोग हैं यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा सा सीन है। ये देख सकते हैं फोटोग्राफर्स, देखिए ये पिक्चर ये है फॉर द लायन। इससे अच्छा शॉट बहुत मुश्किल से मिलता है, जो लायंस जो रोड पर बैठे हुए हैं। ये देखिए बहुत ही गजब की साइटिंग हुई है टाइगर ये लायन की यहाँ पर, और लायन उठ गया है यहाँ पर उठ गया, लायन उठ गया है। देखिए ये देखिए लायन उठ गया और इधर ही आ रहा है, बिल्कुल सामने आ रहा है। वाह वाह, इतना पास में आ रहा है लायन, वाह, हम बहुत क्लोज से देख रहे हैं इसको, बहुत क्लोज से देख रहे हैं इसको, बहुत ही क्लोज से देख रहे हैं। इधर आ जाओ, ये देखिए बहुत ही क्लोज से देख रहे हैं, ये लायन है, लाइन जा रहा है यहाँ से उठ के, बहुत ही अच्छा सीन आ रहा है इसका। ये देख, ये एक और उठ गया, एक और उठ गया लाइन, ये दोनों जा रहे हैं यहाँ से तो। वाह, इतना पास से लाइन देख रहे हैं यहाँ पर, इतना पास से। एक तो ये जा रहा है बहुत पास में, एक वो थोड़ा थोड़ा दूर जा रहा है। यहाँ दो लाइन हैं एक साथ चल रहे हैं, जो देखिए दो दो लाइन हैं एक साथ चल रहे हैं। वाह, व्हाट्स अ सीन सीन। देखिए इससे अच्छा क्या सीन होगा, वहाँ जाके बैठ गए वो, एक वहाँ बैठ गए, वो देखिए बहुत सामने से दिख रहे हैं, और एक यहाँ से दिख रहे हैं। ठीक है सर, यहीं रोक दो, ये बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ से। वाह, ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, चाट रहे हैं एक दूसरे को, देखो। वाह, व्हाट्स अ सीन ऑफ अ लायन लिकिंग अदर लायन। वाह, बहुत खूबसूरत सा सीन है, इतनी अच्छी साइटिंग हो रही है, दो लायन आपस में पास में बैठे हैं। वाओ, और दोनों के दोनों ये भाई है ना, हो सकते हैं ना, तभी तो दोनों साथ, हाँ तभी दोनों साथ में, नहीं तो ये लड़ते हैं आपस में टेरिटरी के चक्कर, एक कहीं जा रहा है एक लेट गया यहाँ पे, एक और अंगड़ाई ले रहा है, एक तो लेट गया ये भी बैठ गया। वाओ, व्हाट्स अ सीन ऑफ लायंस वी वॉच टुगेदर। वाओ, बहुत ही गजब की साइटिंग हुई, तो यहाँ पे लेट गए दोनों। चलो चलो,
तो अब हम यहाँ से चल रहे हैं क्योंकि ये लेट गए लायन, आगे देखते हैं आगे भी कोई चांस बन जाए या कोई और जंगली जानवर दिख जाए। वैसे बहुत गजब की साइटिंग हुई है, दो दो लायन एक साथ हमने देखे। ये जंगल के अंदर जैसे अलग अलग तरीके रहते हैं पानी सप्लाई करने के, क्योंकि जैसे समर सीजन आती है 4 मंथ के लिए गिर में पानी का इश्यू रहता है जी। तो कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट ऐसे जहाँ मान लो ट्यूबवेल किया है और वहाँ पानी नहीं हुआ तो ये टैंकर से सप्लाई करते हैं, वाटर होल्स बना रहे हैं। हिरन मोर मोरनी बहुत ही गजब का सीन है। और यहाँ पर वाव पानी का तालाब सब बना रखा है, आर्टिफिशियल वाटर पॉइंट, हिरन वगैरह का बहुत अच्छा सीन है। देखिए सफारी के दौरान एक ऐसा पॉइंट आता है जो कि आप यहाँ पर वॉशरूम वगैरह यूज़ कर सकते हैं, फैसिलिटीज़ की यहाँ पर सुविधा दी गई है। तो यहाँ 5-10 मिनट के लिए वेट करते हैं, मतलब अगर किसी को भी जाना हो, उसके बाद हम वापस से सफारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ से रूट्स का पॉइंट्स भी हैं सर, क्या है 6 रूट्स हैं? हाँ, टोटल यहाँ 6 रूटों का क्रॉसिंग दिया है। क्रॉसिंग हर एक जगह पे जंगल के अंदर नेचुरल हैबिटेट में नीचे उतना अलाउ नहीं है जी जी, लेकिन 6 रूट ऐसे हैं कि इनको यहाँ क्रॉसिंग किया है, जैसे 2 नंबर, 11 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर और 6 नंबर भी हैं और 5 नंबर हैं। तो इतने रूटों का क्रॉसिंग दिया है, 6-7 रूटों की गाड़ियां यहां इकट्ठी होती है और आसपास में मान लो कहीं किसी रूट में साइटिंग हुआ तो मैसेज भी यहां पर पहुंचा देते हैं। और दूसरी एक फैसिलिटीज हमारी गवर्नमेंट ने यूरिनल स्टॉप दिया हुआ है, क्योंकि काफी सारे टूरिस्ट यहां आते हैं, कोई मान लो ऐसे बीमार है ऐसे कोई, तो उनको ये एक अच्छी फैसिलिटीज है। अच्छा, और ये एकलौती जगह है जिसमें उतर सकते हैं सफारी के दौरान। बिल्कुल, क्योंकि पूरे नेचुरल में उतरना इजी हुआ है। सही बात है, पूरा यहाँ शेर कहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पूरी सफारी में यही है जगह यहाँ उतर सकते हैं, रिलैक्स होता है। ये देखिए यहाँ पर जो पेड़ हैं बहुत ही ज़्यादा ब्रांचेस के साथ फैले हुए हैं, बैनियन ट्रीज हैं। इधर की तरफ थोड़ा सा ड्राई वाला एरिया है, लेकिन इधर पूरा का पूरा ग्रीन एरिया हो जाता है। और पीछे की साइड आप देखेंगे पूरा का पूरा बहुत ही सुंदर सा जंगल का एरिया है जो यहाँ से दिखाई देता है। एक क्वेश्चन है, मतलब बोलते हैं ना कि शेर जंगल का राजा है, द लायन इज द किंग, तो उसकी एक्चुअल वजह क्या है? ऐसा मैंने क्वेश्चन कई बार पूछा है, लेकिन इस बार मतलब हर बार अलग आंसर मिलता है मुझे, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए? हर एक लायन का अपना खुद का एक टेरिटरी रहता है, वो अपना खुद का टेरिटरी अपने यूरिन ड्रॉप और इनके नाखून से कहीं ना कहीं पेड़ पौधों पे वो स्क्रब करके कहीं मार्क करता है, और अपनी टेरिटरी के अंदर दूसरे किसी भी मेल लायन को वो घुसने नहीं देगा। और बहुत बार गिर के अंदर ऐसे एक्सीडेंट भी हुए हैं कि कहीं ना कहीं टेरिटरी फाइट में मेल लायन का डेथ भी हो जाता है। अच्छा। तो वो खुद की टेरिटरी के लिए या अपने जो फैमिलीज है, मीन्स अपना पूरा ग्रुप है, उनका प्राइड जो रहता है, उनको बचाने की चक्कर में या कोई लायनेस की चक्कर में बहुत बार वो पहले के राजा की तरह फाइट किया करता है। अच्छा अच्छा, ब्रेव हो गए। हाँ, तो ऐसे ही ये लायन को राजा कहते हो गए, और पूरे गिर के अंदर हर एक टेरिटरी वाइज अपना खुद का वो राज शासन चलाते हैं, तो इसलिए भी राजा कहते होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, पर एक और जिसमें अगर जैसे टाइगर भी तो अपनी टेरिटरी बनाता है। वो इससे स्ट्रॉन्गर भी है जी, तो वो उसको क्यों नहीं बोल रहे हैं फिर राजा? जंगल का राजा इसलिए उसे शायद नहीं कहते होंगे क्योंकि इनका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे राजा की टाइप्स का नहीं है। अच्छा, अच्छा। लायन जैसे आज हमने देखिए दो मेल लायन जो देखे, वो आगे से देखेंगे तो इनका पूरा ऐसे बालों का वो, तो इनकी जो ये बालों का और इनका बाह्य देखा हुआ इनका बॉडी स्ट्रक्चर है, वो खुद भी कह रहा है कि मैं एक राजा हूँ। जैसे टाइगर के कितना भी बड़ा हो, कितना भी अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर हो, लेकिन वो एक कैट फैमिली दिखती है। लायन में ये रॉयलिटी दिखती है। हाँ, ये राजा दिखता है, इसलिए भी शायद इसे राजा कहते हैं। ये वजह हो सकती है, बिल्कुल। लायन की एक और खास बात मुझे लग रही है अपने ओपिनियन से कि लायन एक प्राइड बना के रह रहा है, मतलब पूरा का पूरा फैमिली ग्रुप कि जिसमें 20-30 मेंबर भी हो सकते हैं, तो मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि राजा जैसे कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एवरीथिंग। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से भी लायन को एज ए किंग हम बोल सकते हैं। टाइगर के केस में नहीं होता ऐसा, मतलब जब तक बच्चे बड़े हैं कुछ मतलब हो नहीं जाते 2-3 साल के, तब तक टाइगर के बच्चे उनके साथ रहते हैं, उसके बाद उसको पुश कर देते हैं या छोड़ देते हैं। उनकी फैमिली ऐसी नहीं होती, इनकी तो बड़े होने के बाद भी फैमिली की फैमिली वैसी बनी हुई है। तो मे बी दैट कैन बी अ रीज़न कि वाई लायन इज अ किंग, वो हो सकता है। ये भी एक पॉइंट हो सकता है। बिल्कुल, अलग अलग ओपिनियंस हैं, सबके ओपिनियंस लेते रहते हैं, तो थोड़ा बहुत कुछ तो तरीका होगा ही वजह। बिल्कुल। ये है सांबर डियर, फीमेल सांबर डियर। तीतर, और छोटे छोटे पक्षी हैं, ये तीतर हैं। ये
ये बर्ड्स भी हम यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं गिर नेशनल पार्क में। 5 नंबर और 10 नंबर रोड जा रहा है, 5 आगे जा रहा है और 10 इधर मुड़ गया। इस तरह की पवन चक्कियाँ पानी के लिए लगा रखी है ना? जी बिल्कुल, क्योंकि जंगल के अंदर तो ऐसे लाइट तो है नहीं। लाइट नहीं? अच्छा, इसे लाइट बन के और यहाँ मोटर चलती है? नहीं, लाइट नहीं बनेगा ये पूरा। अच्छा, पाइप आप देख रहे हो ना? हाँ, हाँ। तो अपने आप ही वो जैसे पहले हैंड पंप हुआ करता था, ऐसे ही वो पंपिंग करता है और जैसे तेजी से घूमेगी चक्की। अच्छा अच्छा, और यहाँ पानी अपना भरने लगेगा। अच्छा, पानी भरने लगेगा इसके वजह से। यहाँ पर अभी सर बता रहे हैं कि जो वाइल्ड वोर है, जो जंगली सुअर है, वो लायन का एक फेवरेट पसंदीदा शिकार में से एक है। ऐसा क्यों सर? ऐसे इसलिए क्योंकि आज देखिए दूसरे सारे एनिमल्स की आप कंपेयर करोगे तो दूसरे सारे एनिमल्स में हड्डियाँ ज़्यादा रहेगी जी, स्किन का पार्ट रहेगा जी, स्कल भी इतना रहेगा, तो ये सारी चीज़ें लायन को जैसे अच्छा मीट खाना है तो लंबा मेहनत करना पड़ेगा उसमें। और जब ये वाइल्ड बोर का शिकार करेगा तो वाइल्ड बोर है वो पूरा फैट से भरा रहता है, फैट से भरा रहता है और हड्डियां उसमें कम रहती है। तो इसलिए भी ज्यादातर लायन जैसे मतलब 10 जितना शिकार करेगा तो 10 शिकार में से एक या दो शिकार वाइल्ड बोर के भी हो सकते हैं। ये देखिए पिकॉक यहाँ पर डांस कर रहा है, थोड़ा दूर है लेकिन बहुत अच्छे से डांस करते हुए देखिए पीछे का इसके टेल को मूव करते हुए, काफी अच्छा सा सीन। और ये सामने मोरनी है ना? हाँ, पिहन है, उसको इम्प्रेस कर रहा हुआ। वो क्या अपनी ब्यूटी दिखाता है? हाँ, वो जस्ट इतनी सुंदरता दिखाता है कि भाई इतना बड़ा हूँ, इतना खूबसूरत हूँ। हाँ, तो शायद यही रीजन हो सकता है क्योंकि हर एक एनिमल्स बर्ड्स उनका एक मैटिंग सीजन और वो सीजन के हिसाब से होता रहता है, तो ज्यादातर ये पिहन और पीकॉक का मैटिंग सीजन रेनी सीजन के आसपास अच्छा, रहता है। अच्छा, अच्छा। तो इसलिए ये अभी पिहन को इम्प्रेस कर रहा है क्योंकि काफी सारे पीकॉक रहते हैं, काफी सारी पिहन रहती हैं, लेकिन कोई इम्प्रेस भी होना चाहिए इनके साथ मैटिंग करने के लिए। हाँ, हाँ। तो इसलिए शायद ये कर रहा है। हाँ, हाँ। जंगल कैट छोटे छोटे, और ये जो पक्षी के कौन से? वो पीकॉक के हैं। अच्छा, ये पीकॉक है और जंगल कैट के जो छोटे 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 अच्छा 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 ये छोटे छोटे पैर जो हैं वो जंगल कैट के हैं। अच्छा अच्छा, सांबर डियर इज जस्ट कमिंग नियर टू द वाटर होल। यहाँ पर शायद पानी पीने आ रहा है वो। हाँ, और ये पूरा का पूरा कीचड़ से उठ के आया है अभी, है ना? वो दलदल में बैठना है, दलदल से करता है। अच्छा, कितना सुंदर सीन है, मोर, हिरन, सांबर, मंकी। किस लिए? क्योंकि अभी रेनी ये हाँ गर्मी का गर्मी वाला सीजन है। अच्छा अच्छा अच्छा, मोर, सांबर, बहुत ही सुंदर सा सीन है। वाह, ये पानी पी रहा है यहाँ पर सांबर। अच्छा, गर्मियों में इनका मीटिंग सीजन होता है और ये मीटिंग के टाइम पे ऐसे मिट्टी दलदल दल में बैठना। अच्छा अच्छा, करते हो क्योंकि इनके बॉडी के अंदर अपना हाँ का हीट बनाए रखने के लिए। अच्छा 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 अच्छा, दलदल पे बैठना, दलदल पे बैठते हैं। बहुत ही सुंदर सा सीन है। यहाँ से देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा जंगल एक साथ ही समा गया है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये वाइट स्पॉटेड डियर है, यहाँ पर ये आप देखेंगे तो ये है सांबर डियर, यहाँ पर मोर भी अभी डांस कर रहा था जस्ट, और मंकीज़ भी हैं यहाँ पर पेड़ के ऊपर आप देखेंगे तो ये मंकीज़ हैं। कुछ फ्रूट्स वगैरह भी अगर पेड़ पर होते हैं तो नीचे गिराते हैं और फिर नीचे जो हिरन है वो खाते हैं उनको। अब यहाँ से रास्ते फिर डिवाइड हो रहे हैं, 2 नंबर 10 नंबर और 11 नंबर इधर की तरफ है। सामने से भी एक जिप्सी आ रही है। अभी यहाँ पर ये जो सफारी होती है गिर नेशनल पार्क में वो 3 स्लॉट्स में होती है, तो ये 8:30 बजे वाली, 8:30 बजे होती है ना सर, 8:30 वाली सफारी की ये जिप्सीज आ रही है यहाँ पर। हम तो बाहर निकलने की कोशिश में हैं क्योंकि अभी हमारा जो टाइम है वो हो गया है, लगभग कुछ ही देर में बाहर निकल जाएंगे, सफारी का टाइमिंग एंड पर है। लेकिन ये 2nd स्लॉट की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से आ रही हैं। यहाँ पर देखिए मैंगोज बैठा है, एक नेवला छोटा सा पानी पी रहा है वहाँ पर। ये देखिए जा रहा है, कितना सुंदर सा दिख रहा है, टेल कर्व्ड है उसकी। ये कॉमन मंगूस नहीं है जो दिखता है वो। अच्छा, ये कौन सा है? ये रूडी मंगूस है। रूडी मंगूस, मंगूस की भी टू टाइप्स हैं कि इसमें पाई जाती है, इनमें ये कॉमन मंगूस रहता है। हाँ, हाँ। और ये दूसरी टाइप से रूडी मंगूस। अच्छा, ये भी रेयर है मतलब। हाँ। वाओ। तो अब यहाँ से ये एग्जिट गेट आ चुका है सफारी का, हमारा जो सफारी का टाइमिंग है वो एंड हो चुका है और अब यहाँ से हम बाहर की ओर निकलेंगे। देखिए ये यही गेट था, वैसे घुसे तो हम गेट नंबर 1 से थे ना, और अभी निकल रहे हैं गेट नंबर 2 से। इसका एग्जिट गेट नंबर 2 है और यहाँ देखिए इस तरह का जो वाइल्ड एनिमल्स हैं यहाँ पर बनाए गए हैं एक तरह से स्टैचू के फॉर्म में, और ये लोग हैं जो अभी एंट्री कर रहे हैं यहाँ से। ये देखिए यहाँ से सफारी के लिए एंट्री कर रहे हैं ये 8:30 बजे वाले स्लॉट में, और अभी ये जिप्सी जो हमारे पीछे आ रही है ये
हम यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। तो ये थी हमारी गिर नेशनल पार्क की सफारी रूट नंबर 10 की। आज हम बहुत ज़्यादा लकी थे, हमने यहाँ पर 10 लायन स्पॉट किए, 10 शेर यानी कि 2 बब्बर शेर, कई सारे बच्चे और फीमेल्स, टोटल मिला के 10 लायंस हमने यहाँ पर स्पॉट किए। बहुत सारी इंटरटेनिंग ये जर्नी रही, काफ़ी अच्छा लगा। आपको एक्सपीरियंस कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें।